आज लेकर आई है सोनी आप सबके लिए बहुत ही हेल्दी देसी अंदाज में बाजरे की खीर। आपने चावल की खीर बहुत खाई होगी, साबूदाने की खीर बहुत खाई होगी, लेकिन बाजरे की खीर जब खाओगे बाकी की भूल जाओगे। अभी अम्मा जी स्वाद बताएंगी खीर का। बढ़िया खीर तो बढ़िया लग रही है, बढ़िया लग रही है, सीरो जमीन की रहे। और ये देखो सोनी का कटोरा थोड़ी रखा तुमने। हेलो, राम राम जी, गुड मॉर्निंग। और साहब कैसे हो, आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी विलेज लाइफ यूट्यूब चैनल में। गाइस आज जो सोनी बनाने जा रही है ना, और इसको खा के आनंद आ जाएगा आप सभी को, क्योंकि ये है बहुत पुरानी रेसिपी। दादी नानी अम्मा मम्मी सभी लोग बनाते आ रहे हैं और बहुत ही हेल्दी बहुत ही स्वादिष्ट सर्दियों की फेवरेट है, यानी बाजरा की खीर बनाने के लिए जा रही है सोनी, जो कि इसी चैनल पर मिलेगी आपको, हमारे गाँव वाले चैनल में। ये बाजरा है गाइस, ये देखिए अभी सोनी ने इधर क्लियर करके रख दिया है। हाँ, अभी इसको अच्छे से साफ करेंगे, इसके अंदर से जो भी आटा है उसको निकाल देंगे और ये बाजरा को रखेंगे। ये देखिए बाहर का मौसम देख सकते हैं, ऐसे मौसम में ही बाजरा की रेसिपी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिख रहा होगा आपको। सॉरी, सबके लिए हो जाएगा इतने में? हाँ, हो जाएगा। चलो दूध डालेगा। अच्छा, दूध डालेगा। राम राम, राधे राधे माता बहनों, सभी को हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बाजरे की खीर। हाँ, बाजरे की खीर बनाने जा रहे हैं, और देखिए आप सबकी दुआ से भगवान का आशीर्वाद है, अभी सोनी एकदम स्वस्थ है और अब आपको रोजाना बढ़िया बढ़िया नई नई रेसिपी मिला करेंगी। मेरी मम्मी ने सुबह सुबह चकिया पे पीस दिया और सोनी ने साफ कर लिया, बस अभी बनेगी बाजरा की खीर। कितना दूध लिया है यहाँ पे? 1 लीटर दूध लिया है हमने। 1 लीटर दूध लिया है, उसमें पानी वगैरह कितना डाला है? पानी डाल लेंगे अभी। अच्छा, अभी पानी डालेगा। 1 लीटर दूध ले लिया है और इसमें 1 गिलास यानी 250 ग्राम पानी हो गया 1 गिलास के अंदर। हाँ। तो ये हो गया 500 ग्राम पानी। 1 लीटर दूध में 500 ग्राम पानी। अब इसे गर्म होने देंगे। अभी दूध को गर्म होने देंगे, जब गर्म हो जाएगा उसके बाद में ये जो बाजरे का दलिया है इसे डालें, ये डलेगा इसके अंदर। अभी दूध में उबाल आ गया। उबाल क्या, एकदम से नहीं उबला है लेकिन गर्म हो गया है। उबाल आ गया, मैंने कम कर दिया। अच्छा, कम कर दिए, नहीं तो उबाल आ जाता है। और इसको कितनी गैस पे पकाना है खीर को? मीडियम आंच पे। मीडियम रखनी है गैस? हाँ। मीडियम गैस रखेंगे खीर को हम पकाने के लिए। फिलहाल अभी हम डाल देंगे बाजरा को, और ये देख लीजिए बाजरा की क्वालिटी, जो कि दलिया बना लिया इसको तोड़ के, छान के फटक के साफ कर लो। छान फटक के साफ, कूट के भी बना सकते हैं, खल्लड़ में कूट लो अगर वो व्यवस्था नहीं है तो, कोई दिक्कत, खल्लड़ में कूट के और बना सकते हैं। मिक्सी मशीन में भी हल्का हल्का चला को, उसमें भी हो जाएगा दलिया। जैसे मिक्सी मशीन में भी हो जाएगा, आटे को निकाल दो फिर दलिया जो बचेगा उससे खीर बनाइए, बस अभी खीर बनती है गाइस। ये बहुत क्या बताओ, मेरे को तो बहुत मस्त लगती है, आप बोलोगे तो आपको तो हर चीज अच्छी लगती है। अब क्या करें, नहीं ये तो अच्छी लगती है, बहुत गजब की लगती है। अभी देखना ये जब बन जाएगी बस थोड़ी थोड़ी आएगी सबके लिए। और गाइस अगर आपने कभी नहीं खाई तो एक बार इसको जरूर ट्राई करें, एक बार ट्राई जरूर करना, फिर आप कमेंट करना। आप कमेंट इतना बढ़िया करोगे मेरे को पता है, क्योंकि इसका स्वाद लाजवाब। आपने चावल की खीर खाई होगी, काजू मखाने की खीर खाई होगी, यानी साबूदाने की खीर खाई होगी, लेकिन ये वाली जो खीर जिसने खाई वो फिर इसी के गुण गाए। हाँ। ये हमारा रात का दूध रखो। अच्छा, रात का दूध इसको डाल रही है? हाँ, इसको भी डाल। कम पड़ेगा दूध? नहीं, दरी जी खा लेंगे खीर, दूध नहीं पिया है। अच्छा, इसलिए डाल दिया है। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे क्योंकि बीच में चिपक नहीं जाए तले में। हाँ, ऐसे चलाते रहे। अभी हमारी जो बाजरा की खीर है वो तो बनी रही है, और इसको पकने दो। जब तक हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लिए हैं बादाम, लिए हैं थोड़े से 7-8 बादाम है। हाँ। किशमिश है और 6-7 काजू है और एक पिस्ता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है, ये तो है उपलब्ध, तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई नहीं डालता है। अभी तक हमने नहीं डाला, आज पहली बार डाल रहे हैं इनको, देखते हैं आज इनसे कैसा स्वाद लगेगा खीर के अंदर। इनको डालने से थोड़ा खीर डेकोरेट भी हो जाएगी, देखने में ऊपर से अच्छी लगेगी, उसकी शक्ल अच्छी हो जाएगी, वैसे भी अच्छी दिखती है वो काफी गजब। और आप गुड़ के साथ भी खा सकते हैं, जैसे इसमें हम चीनी डालेंगे तो आप चीनी की जगह पर गुड़ भी डाल सकते हैं, खांड डाल सकते हैं,
अभी हमने इधर पिस्ता को कटिंग कर दिया है और बादाम को भी लंबे लंबे आकार में कटिंग कर रहे हैं। अपने हिसाब से कर सकते हैं आप, जिस तरीके से आपको डेकोरेट करना हो और जैसे डालना चाहते हो कूट के भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्वाद आना चाहिए, स्वाद आना चाहिए बस। और ये देखिए अभी खीर के ऊपर कैसे मलाई जम गई ना, ये है, ये देखो कितनी गजब की मलाई जम रही है। तो इसको चला देंगे थोड़ा, और अभी गाढ़ापन भी आ गया देखो खीर के अंदर। अभी कितना टाइम लगेगा सोनी इसको बनने में? बस थोड़ी और बता दे, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अभी कितनी गजब की लग रही है ये देखिए। और अभी सोनी ने उधर छोटी वाली कढ़ाई रख दी गैस के ऊपर, इसमें क्या करना है सोनी? इनको भूनेंगे थोड़ा, सेकेंगे। अच्छा इनको? हाँ। किसमें, घी में? घी में। तो घी में इनको थोड़ा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम 4-5 इलायची लेंगे, इनसे बहुत बढ़िया खुशबू आएगी हमारी खीर के अंदर। मैं तो नहीं करूँ ना रहा। जम गो होगो, थोड़ा सा घी रह गया है, घी भी खत्म होने को आया भी हमारा। काफी एक चम्मच में वो तो तल जाएंगे। अभी हमारा घी गरम हो गया और तो अब हम डालेंगे अपने काजू बादाम पिस्ता। सर्दी में इन चीज़ों को खाते रहिए, ताकत भी रहेगी गर्मी भी रहेगी शरीर के अंदर। और घी डल रहा है तो घी से ना, घी खीर के अंदर महक भी बढ़िया हो जाएगी घी इलायची से, और स्वाद भी बढ़ जाएगा। गाइस हमारी देसी रेसिपी आप सभी को कैसी लगती है कमेंट में हमको ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट पढ़ के बहुत आनंद आता है और हर कमेंट का हम रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, हर कमेंट का देते ही हैं। बस इनको ऐसे फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का। और अभी हम डालेंगे खीर के अंदर चीनी। सोनी इसमें से कुछ बिना चीनी की खीर निकाल दो। अच्छा हाँ, लइए कटोरा। मेरे को गुड़ से ज़्यादा पसंद है तो मैं इसमें से फीकी निकलवा लेंगे, जिसमें चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डली है, तो हम गुड़ से खाएंगे बाद में, और चीनी वाली सबके लिए हो जाएगी। विवेक भी बोल रहा है मैं भी गुड़ की खाऊंगा, तो दोनों के लिए हो जाएगी। और अभी ये गर्म है, जितनी ठंडी होती जाएगी उतनी गाढ़ी होती जाएगी, ये भी है इसकी खासियत। और अभी हम डालेंगे चीनी, डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। वैसे चीनी कितनी डलेगी इतनी खीर में सोनी? एक कटोरी। एक कटोरी चीनी डालेंगे। अभी गैस बंद कर दी कि चालू है? बंद कर दी। खुशबू कितनी जबरदस्त आ रही है, गजब की खुशबू आ रही है इसमें तो, मस्त। आज के नाश्ते में हमारी ये खीरी रहेगी, इसीलिए सुबह जल्दी बनाई कि नाश्ता भी हो जाएगा और आप सभी के पास भी पहुँच जाएगी। तो आप सभी भी बनाइए, नाश्ते में खाइए, बहुत ही हेल्दी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता बनाने में। और अब हम इनको डालें। अभी हम डाल देंगे अपने मेवा मिष्ठान। ये खीर के अंदर तड़का लग गया है। ये देखिए गाइस कितनी बढ़िया दिख रही है अभी हमारी बाजरा की खीर। अभी इलायची पाउडर डाल देंगे। तो इलायची पाउडर कितना है? आधा चम्मच के आसपास है। बस इसको डालते ही बहुत ही बढ़िया खुशबू, हमारी बाजरा की खीर बनके हो गई तैयार। और देखने से ही पता चल रहा है कितनी गजब की बनी है, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से अभी। तो बस अभी इसको हम ठंडा करते हैं और सभी को परोसते हैं, और इसका टेस्ट भी चेक करवाएंगे सभी पे, और बताएंगे सभी अपना अपना रिव्यू कि इसका स्वाद कैसा लगा, जिससे आप सभी को भी पता चलेगा। लो, आप लोग खाइए और टेस्ट बताइए कैसी लगी खीर। गरम गरम खीर, गरम गरम है ना, ठंडी का समय, गरम गरम खीर। गरम गरम खीर ये देखो कितनी जबरदस्त दिख रही है ना, बहुत ही बढ़िया। अभी देखिए बच्चों का तो भोग लग भी गया और विवेक ने तो खाना स्टार्ट कर दिया। कैसी लग रही है विवेक? अच्छी लग रही है। अंजू स्टार्टिंग चल रही है अंजू की, तो अंजू को भी पूछेंगे। अंजू ने मीठी वाली ली है, विवेक ने फीकी वाली ली है। अंजू मीठी लाइए। हाँ। कैसी लग रही है अंजू? अच्छी लग रही है। चलिए अभी अम्मा बाबा के पास चलते हैं। तो ले जाइए, ये लग गया टिप्पन, पूरा ढक ले चलेंगे इसी से। अम्मा वही होंगी? हाँ वही है, तीनों के लिए हो जाएगी इसी में। यह देखिए चकिया चल रही है, दोनों सास बहू लगी हुई हैं। गरम गरम खीर। अभी अम्मा जी स्वाद बताएंगी खीर का। अभी देखो चकिया पे बाजरे का आटा पीसा है अम्मा ने और मम्मी ने दोनों ने।
इधर अभी खीर खा रहे हैं पापा जी, देखो गरम गरम कैसा स्वाद है पापा जी खीर का। बढ़िया खीर तो बढ़िया लग रही है। हाँ जो चावल साबुदाने खीर बनाते ना उससे तो ये सौ गुना बढ़िया खीर है, बहुत ही बढ़िया स्वाद। हाँ माँ कैसी लग रही है? ऐसे ही मिलते रहेगी, ऐसे ही बस आशीर्वाद देते रहे, ऐसे ही मिलते रहे। हाँ वैसे मम्मी चरा भाई, और कैसा स्वाद लग रहा है? स्वाद कैसा लग रहा है? बढ़िया, अभी और लेके आऊंगा। है अम्मा बाबा मम्मी सब ये बोल रहे थे, मम्मी तो नहीं खाई, अम्मा ने राजकुमार ने और पापा जी ने खाई, बोल रहे थे आनंद आ गया, पेट से गया ठंडी में, बहुत गजब की बनी है। ये रही गाइस हमारी खीर, तो अभी हम भी खाते हैं, गुड़ के साथ खाएंगे हम। और ये देखो सोनी का कटोरा, थोड़ी ना खाते में हाँ कटोरा भर के। कैसी लग रही है? एकदम बढ़िया बढ़िया। तो गाइस ये हमारा सुबह का नाश्ता हो गया, आपको पसंद आया आज का हमारा रेसिपी तो बस वीडियो को लाइक करना है। बस मैं लगा था दरिया बनाते हूं अपने घर, आज इसी को खा लेंगे। गाइस आप भी खा लीजिए। एक नंबर दोस्तों, बाजरा की खीर खा के बहुत आनंद आया, बहुत ही गजब की बनी। मेरी तरफ से तो बस ये ही कहना है कि आप ये खीर कब बना रहे हो, और जल्द से जल्द बनाइए, अगर नहीं बनाई तो एक बार जरूर बनाए प्लीज। चावल की नुकसान कर जाएगी सर्दियों में, हाँ ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी, चाहे कोई भी खाए। और आपको जब पसंद आएगी ना तो आप खुद ही कमेंट करोगे कि आपने जो बोला बढ़िया बोला, बस एक बार बना कर तो देखिए, फिर आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे। और बस आज की हमारी रेसिपी पसंद आई तो बस वीडियो को लाइक कर दो, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। जब तक के लिए राम राम दुआ सलाम, जय हिंद वंदे मातरम।